What's up guys, once again welcome back to our YouTube channel Dance Diwani Season 3 को चाहने वालों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube channel पे guys। और जैसा कि आप सब जानते हो audition round almost खत्म हो चुके हैं, बहुत ही बेहतरीन performance इस बार performer जो है इस बार हमें देखने को मिल रहे हैं guys। और आज जिस performer को मैं review करने वाला हूँ guys, उसका नाम है ऋषभ सिसोदिया गाइस। ये बापी गुजरात के रहने वाले हैं और ये राघव के बहुत बड़े फैन हैं गाइस। और ये डांस दीवाने सीजन 3 में इनके आने की एक वजह राघव ज्वेल से मिलना भी है गाइस। और ये 23 साल के हैं ऋषभ सिसोदिया, बापी के रहने वाले। और जब ये स्टेज पे पहुंचे, माधुरी दीक्षित ने इनको पूछा कि किसको ढूंढ रहे, तो इन्होंने रिवील किया कि मैं यहाँ पे राघव को ढूंढ रहा हूँ काफी टाइम से और मुझे राघव कहीं पे मिल नहीं रहे, तो अगर आप चाहो तो प्लीज उसे बुला दीजिए, मैं उससे मिलने के बाद ही अपना ऑडिशन जो है स्टार्ट करूंगा। जिसको बहुत ज्यादा एंजॉय किया था जिसने, और ऑडियंस ने भी डेफिनेटली उनकी जो बातें थी उनको एंजॉय किया होगा गाइस। और ऋषभ सिसोदिया की बात करें तो इनको पहले भी एक दो शो में देखा जा चुका है, जैसा कि इंडियाज बेस्ट डांसर्स के अंदर इनको एक बार परफॉर्म करते हुए देखा जा चुका है। और उसके बाद बहुत ज़्यादा इंतज़ार करने के बाद राघव जो है आ जाता है गाइस, आ गया। और राघव आ जाता है और राघव का जो मिलने का तरीका था ऋषभ के साथ वो बहुत ही बेहतरीन था कि भाई कोई अपने फैन से इस तरीके से भी मिलता है कि ऋषभ ने आते ही उसके पैरों को पहले हाथ लगाया तो राघव ने उसे अपनी गोदी में उठा लिया और उसके साथ बहुत ही प्यार भरी बातें करी जो ऋषभ को तो अच्छी लगी ही होंगी, ऋषभ के साथ साथ ऑडियंस को बहुत ज्यादा अच्छी लगी होंगी गाइस। और उसके बाद राघव जो उसको बोलता है बेस्ट ऑफ लक, तू परफॉर्म कर, मैं देखता हूं तू क्या करने वाला। और ऋषभ जो है राघव के से बहुत ज्यादा इंस्पायर है, जब ऋषभ ने राघव को फर्स्ट टाइम डांस इंडिया डांस में परफॉर्म करते देखा था तभी से उसने डांस शुरू किया था। और धर्मेश का बड़प्पन था कि धर्मेश कहता है तेरा फैन डांस करने आया तो तू मेरी कुर्सी पे ही बैठ गई, जो भाई इसकी परफॉर्मेंस देख। लेकिन राघव भी उसकी प्रॉपर जो है इज्जत करता है और वो नहीं बैठा लेकिन के साथ बैठ के ही उसकी परफॉर्मेंस को एंजॉय करता है गाइस। और ऋषभ 23 साल की उम्र है और बापी गुजरात का रहने वाला है, पूरा नाम है ऋषभ सिसोदिया गाइस। और परफॉर्मेंस जब स्टार्ट करता है उसकी परफॉर्मेंस जो है कहीं ना कहीं राघव की परफॉर्मेंस से मैच करती है। टर्टिंग को उसने यूज किया था और साथ के साथ उसने पॉपिंग भी यूज़ करी और उसका स्टाइल बहुत ही यूनिक और डिफरेंट बन के आया था जो कि उसका अपना स्टाइल था। वो रिवील करता कि जैसे राघव का स्टाइल अपना था क्रॉस, तो दैट वाज इसलिए मैं भी अपना ही डिफरेंट सा स्टाइल लेके जो है डांस दीवाने सीजन 3 की स्टेज पे आया हूँ। और गाइज डेफिनेटली वो परफॉर्मेंस जो है बहुत ज़्यादा यूनिक लगी और जजेस को भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। तुषार काले की बात करें तो तुषार काले को उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी क्योंकि उसको मजबूर कर दिया गया कलैब करने के ऊपर और ऋषभ ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी परफॉर्मेंस जो है ऑडियंस के सामने और जजेस के सामने करी गाइस। और राघव और धर्मेश ने उसकी परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और एक साथ इकट्ठे जो है वॉच किया गाइस। और ऋषभ का एक एक मूव वो बहुत ही यूनिक था, किस तरह वो लेट लेट के मूव ले रहा था, किस तरह से वो कर रहा था, स्टाइल बहुत अच्छा था। माधुरी दीक्षित को भी उसकी परफॉर्मेंस बेहतरीन लगी गाइस और उसे प्ले बटन जो है मिल जाता है। उसके बाद ऑन जजेस डिमांड और पब्लिक डिमांड और ऋषभ की डिमांड पे राघव और ऋषभ दोनों स्टेज पे एक साथ स्लो मोशन करते हुए नजर आए गाइस, जो कि सच में सबको बहुत अच्छा लगा। और राघव अपने फैन का ऐसे ही दिल रखते हैं और ऐसे ही उनसे प्यार करते हैं, तभी तो राघव इतने फेबुलस हो रहे हैं और डांस दीवाने में 4 चांद ले आते हुए नजर आ रहे हैं राघव ज्वेल। गाइस अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और डांस दीवाने का कोई एपिसोड आप मिस करते हो बूट सेलेक्ट ऐप पे या MS Play पे आप उसको देख सकते हो गाइस। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग। देखना यह है कि आगे क्या क्या होने वाला है डांस दीवाने सीजन 3 में गाइस। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग, लव यू ऑल गाइस।